हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है के एस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो अपडेट है वो है बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, जो कि ये काफ़ी बेहतरीन नोटिफिकेशन है, जो है 65वीं जो संयुक्त मुख्य लिखित यानी मेंस एग्जाम होने वाला है बीपीएससी का, उसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा डिटेल जो है, इन्फॉर्मेशन क्या है इस नोटिफिकेशन में, वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज के वीडियो में सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि 65वीं जो संयुक्त परीक्षा जो यानी कि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो भी विद्यार्थी जो उत्तीर्ण हुए हैं, जो पास हुए हैं बीपीएससी के जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था, तो वहीं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात करें तो www.bpsc.bih.nic.in पे सारा का सारा जो है ये नोटिफिकेशन भी उपलब्ध है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बाकी जो है जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट है सारे लिंक वहाँ पे मैं प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में बाकी जानकारी के लिए। अब देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा है कि जो लिखित परीक्षा होगा वो 3 विषय की होगी। आपकी जो मेंस का एग्जाम में लिखित परीक्षा कितने विषय की होगी? 3 विषय की, जिसमें 2 अनिवार्य विषय होंगे, यानी 2 आपको जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो कि सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा तथा सामान्य अध्ययन के 2 पेपर लिए जाएंगे। सामान्य अध्ययन प्रथम पेपर और सामान्य अध्ययन जो है द्वितीय पेपर, और दोनों जो है 300 अंकों के होंगे। ठीक है, प्रत्येक पेपर यानी कि ये भी 300 अंक का, ये भी 300 अंक का होगा। उसके बाद आपको एक पेपर जो है ऐच्छिक विषय लेना पड़ेगा। जो ऐच्छिक विषय आपको यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, आपने प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम भरा होगा उसमें जो है, उसमें जो फॉर्म फिलअप किया होगा उसमें भी आपने क्या किया होगा कि ऐच्छिक विषय वहाँ पे फिल किया होगा। तो उपयुक्त वैकल्पिक विषय में से किसी एक विषय का चयन उम्मीदवार द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में किया जा चुका है। ठीक है, तो आपने जो प्रीलिम्स में भरा था पेपर वहीं यहाँ पर भरना है। ठीक है, उसके बाद जो परीक्षा होगी उसकी जो है, प्रत्येक जो है विषय की परीक्षा की अवधि कितनी होगी? तो 3 घंटे की आपको टाइम उसमें मिल जाएगा। उसके बाद जितने भी उत्तर होंगे, या तो आप अंग्रेजी में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, और या फिर उर्दू लिपि में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी लैंग्वेज का उपयोग नहीं कर सकते पेपर में, एग्जाम में जो है आंसर लिखने के लिए। उसके बाद आगे हम बात करें इसमें जो जानकारी दी गई है, तो मेन मेन जानकारी मैं यहाँ पे आपको बताया था। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड ये करके पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखें, तो वैकेंसी की अगर बात करें, रिक्तियाँ, तो कुल आपको 423 जो है रिक्तियाँ हैं, मतलब कि 423 पद यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद हम आगे बात करें कि मेघा सूची किस तरह तैयार होगा। तो लिखित परीक्षा मेंस का एग्ज़ाम आप क्लियर करेंगे, उसके बाद आपका इसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 120 अंकों का लिया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद आपको जो है मेरिट लिस्ट जो है बनाया जाएगा। किसके अनुसार? तो आपको कह रहा है कि लिखित परीक्षा, ठीक है, एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक जो हैं आपको, उस दोनों को जोड़ के जो अंक आएगा उसके अनुसार से आपका जो है आपका क्या बनाया जाएगा, तो आपका मेघा सूची बनाया जाएगा। उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आगे हम बात करें आरक्षण की, तो आरक्षण अगर बिहार के आप मूल निवासी हैं और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको वहाँ पे आरक्षण मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करें कि आगे अगर हम बात करते हैं इसमें कि आप आरक्षण कोड जो है ना, ध्यान से आपको फिल करना है कि एससी के लिए 02 कोड है, उसके बाद अनुसूचित जाति एसटी के लिए 3 है। ठीक है, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा ईबीसी के लिए 04 है, इसी तरह पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए 05 है। तो ये कोड आप जो है ध्यानपूर्वक आप फॉर्म में फिल करेंगे। उसके बाद आगे हम बात करें इसमें मेन जानकारी की तरफ बढ़ते हैं इसमें, तो सबसे पहले ये देख लें कि शुल्क की बात की गई है। तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 750 रुपीज़ जो है शुल्क यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद अगर आप बिहार राज्य के अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के निवासी हैं तो आपको 200 रुपये लगेंगे। उसके बाद अगर आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी यानी आरक्षित अनारक्षित वर्ग कोई भी जो है वर्ग की महिला हैं, तो आपको 200 रुपये केवल यहाँ पे फी पे करना होगा। और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 200 रुपये रखा गया। बाकी अन्य जो दूसरे राज्य के स्टूडेंट हैं, बाकी जितने भी तरीके के स्टूडेंट हैं, सबको 750 रुपीज़ यहाँ पे करने पड़ेंगे। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसमें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है उसकी तिथि क्या है। तो परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि आपको 4 मई 2020 से लेकर 18 मई 2020 तक रखी गई है। इसके बाद हम ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि की बात करें तो 28 मई 2020 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद स्टार्ट कब हो रहा है? तो 4 मई से लेकर 28 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें
और जो फी पे करने का ध्यान में रखें कि आप 18 मई तक ही फी पे कर सकते हैं, ठीक है। आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट आपको भेजना पड़ेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं और जो हार्ड कॉपी आपके फॉर्म का होगा उसका जो है आपको कार्यालय में भेजना पड़ेगा हार्ड कॉपी। तो वो कब तक भेजना है, तो 15/6/2020 के अपराह्न यानी 5 बजे तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। तो 15 जून तक वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। उसके बाद क्या है कि जिस तिथि को भुगतान करेंगे आप, ठीक है, उसके अगले दिन 11 बजे के बाद आपको जो है क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक जो है उपलब्ध हो जाएगा। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म वहां से फिल कर सकते हैं, यानी कि आप जिस दिन फी पे करेंगे 18/5 यानी 18 मई तक आपको फी पे कर देना है, यानी उससे पहले कर लेना, ठीक है, आप उससे पहले कर लेना। उसके बाद जिस दिन आप फी पे करोगे उसके अगले दिन आपको क्या होगा कि लिंक जो है अप्लाई लिंक खुल जाएगा आपके लिए, उसके बाद आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितने भी इन्फॉर्मेशन है ये सारे के सारे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इसमें जो मेन मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए जो है डॉक्यूमेंट की बात करें कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, तो अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड करके हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर लेना है। उसके बाद हार्ड कॉपी के साथ ये प्रमाण पत्र जितने भी बोले गए डॉक्यूमेंट हो आपको जो है अटैच करने हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मैट्रिक का आपका मूल प्रमाण पत्र या अंक पत्र यानी मार्कशीट आपको लगाने होंगे, या फिर स्नातक यानी ग्रेजुएशन के डिग्री लगानी होगी, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे सब डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। फोटो युक्त पहचान पत्र चाहिए, ठीक है, ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद की प्रति, यानी कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ आप डिटेल में पढ़ लें और उसके अनुसार आप जो जो एप्लीकेबल है आपके केस में वो सारा का सारा आप इसमें अटैच कर सकते हैं लिफाफे के अंदर डाल के। और आपको किस पते पर भेजना, तो ये पता आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जो है संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 15 जवाहर नेहरू मार्ग बेली रोड पटना, और ये पिन कोड दिया है, इस पर जो है भेजना है आपको कब तक, तो 15 जून 2020 के अपराह्न 5 बजे तक आपको भेजना है यहाँ पे। तो आपको ये सारी के सारी डिटेल जानकारी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी। और तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, और लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।